हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एंड आज है 19 जून एंड आज मैं मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एंड मैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैं किचन में हूँ एंड सबसे पहले मेरा सुबह का चाय बना रही हूँ। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दूध को उबाल लिया है अच्छी तरीके से, क्योंकि रात भर दूध रहता है फ्रिज में, नहीं रख पाती हूँ बिकॉज़ हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है एज़ यू ऑल नो। अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते आए हो तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो इसीलिए सुबह उठ के पहले मैं दूध गर्म कर लेती हूँ, देन मैं चाय का दूध अलग से निकाल के चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा चाय बन चुका है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, बट चाय को फाइनल टच देने के लिए मैं उसमें अदरक भी ऐड करने वाली हूँ। एंड अदरक वाली चाय ज़्यादा पसंद आती है मुझे। आप लोगों को कौन सी वाली चाय पसंद आती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो थोड़ी देर में इसे उबलने देती हूँ ताकि अदरक का फ्लेवर चाय में आ जाए एंड इसका बेनिफिट भी मुझे सुबह सुबह मिल पाए। एंड इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अदरक ये सब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चाय मेरी बन चुकी है, अब मैं अपना थोड़ा सा स्मॉल स्नैक्स निकाल दे रही हूँ। तो पहले चार टोस्ट मैंने निकाल लिया है प्लेट में एंड चाय भी हमारा हो चुका है। तो कर देते हैं गैस को बंद एंड कप में निकाल लेती हूँ। गाइज, आप लोग सुबह में चाय के साथ क्या खाना पसंद करते हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए, मैंने भी यहाँ पर चाय ले लिया है, अब बैठ के थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, स्नैक्स खा लेते हैं, मतलब टोस्ट खा लेते हैं, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने अपना चाय एंड टोस्ट खा लिया है एंड घर में अभी कुछ, फ़िलहाल अभी कुछ काम नहीं है करने को। बाबू को भी मैंने बिस्किट एंड हॉर्लिक्स खिला दिया है। तो अब मैं घर से बाहर निकलती हूँ एंड थोड़ा सा फ्रेश हवा एंजॉय करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड अभी सो रहे हैं तो इसलिए मैंने दरवाजे को बंद कर दिया है एंड मेरा रूम अभी भी अंधेरा है। तो चलिए गलियारे में बैठते हैं एंड देख सकते हो मेरा जो फ्रंट डोर है वो अभी भी क्लोज है। तो सुबह सुबह मेरा जो फेस है कुछ इस तरीके का दिख रहा है, हेयर कॉम नहीं किया हुआ है, बस मैंने बन बना के बैठी हुई हूँ मैं। तो थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को बाबू की मस्ती शेयर कर देती हूँ, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। पाइप से हट जा, नहीं तो फिर फूट जाएगी वो पानी का पाइप। इधर आके खेलो, इधर खेलो। क्या है ची 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 उठ के खेलो, कपड़े गंदे हो रहे, नहीं तो फिर बाबू को घर में चले जाना पड़ेगा।
अभी अगर गिरे ना ये तो चल रहा है दोनों की मस्ती। जो कि रियूज वाली हर सुबह को ऐसे ही चलती रहती है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो हम लोग चलते हैं घर में एंड घर का काम कर लेते हैं। हस्बैंड भी अभी उठ चुके हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो सबसे पहले बेड को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है मेरे लिए। बाकियों का मैं नहीं बोल सकती बट मेरे लिए ऐसा लगता है कि घर जितना भी झाड़ू पोछा क्लीनिंग कर लो अगर बेड आपका क्लीन ना हो तो हर चीज़ अधूरी ही लगती है। आप लोग अगर इस बात पर एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हस्बैंड को हटा के उनको बाहर निकाल के पहले मैं अपना बेड को क्लीन कर लेती हूँ देन मैं बाकी का काम पे बढ़ूँगी। तो आप लोग भी सुबह का जो डेली रूटीन में बेड क्लीन करना मेन इम्पॉर्टेंट मानते हो कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताओ। एंड बेड एक बार क्लीन हो जाता है ना उसके बाद आप लोगों को लगता होगा कि बहुत बड़ा काम फिनिश कर दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को लगता है कि नहीं ज़रूर बताना मेरे साथ। देन मेरा जो कल मैंने धोए थे कुछ कपड़े वो सारे कपड़े जो हैं वो मुझे फ़ोल्ड करने थे। उसमें से कुछ उनके थे मेरे थे एंड बाबू के थे तो चलिए वो भी फोल्ड हाथों हाथ कर ही लेते हैं। ये भी हमारा मॉर्निंग रूटीन के कैटेगरी में पड़ता ही है फोल्डिंग क्लीनिंग वॉशिंग ये तो आता ही है। तो आप लोगों को ये भी मेरे ब्लॉग्स में देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं सारे जो कपड़े हैं वो उनको फोल्ड कर लेती हूँ देन हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड मैंने आप लोगों को बहुत बार मेरे ब्लॉग्स में बताया था कि मेरे हर एक कपड़ा जो है छोटे छोटे बाबू के कपड़े छोड़ के बाकी जितने भी कपड़े हैं वो सारे जाते हैं धोबी के पास धुलने। बट अभी 2-2.5 महीने से मैं धोबी को नहीं दे रही हूँ कपड़े धोने के लिए एंड ज़्यादातर मैं ही क्लीन कर ले रही हूँ। चाहे हस्बैंड के एक जोड़ कपड़े सही क्यों ना हो वो तो मुझे क्लीन करना पड़ ही रहा है। एंड मुझे अभी पता चल गया है कि धोबी जो है उन्होंने फिर से रीओपन कर लिया है। वो लोग मुझे कॉल करके पूछ भी रहे थे बट मैं ही इग्नोर कर रही हूँ। एंड गाइस प्लीज़ आप लोग ही मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्या मुझे इस सिचुएशन में जब अभी भी वायरस का कोई तोड़ नहीं निकला है इस सिचुएशन में क्या मैं धोबी को फिर से कपड़े धोने के लिए दूं या फिर मैं खुद से ही घर में जितनी भी मेहनत लगे कर लूं। प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग क्या मानते हो प्लीज़ सजेशन अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने जितने भी सारे कपड़े थे मेरे अच्छे से फोल्ड कर लिए हैं एंड अब मैं उनको अपनी अपनी जगह में रख देती हूँ। एंड कहाँ पर रखती हूँ वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा क्योंकि वो मुझे क्लीन करना है जहाँ पे मैं रखती हूँ तो उसका भी अलग से एक क्लीनिंग ब्लॉग आने वाला है। तो इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा मैं जल्दी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरा सारा फोल्डिंग हो चुका है कंप्लीट देन मैं आ गई हूँ अपना घर का किचन रूटीन करने। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि सुबह 10 बजे से लाइट गई है एंड अभी जब मैं ये सारे गाजर छील रही हूँ तो अभी दोपहर के मतलब नून आफ्टरनून के 12:30 एंड 1 बज रहा था बट अभी भी लाइट नहीं आ रहा था। तो मेरे फ़ोन से क्योंकि मैं वीडियोस एंड ब्लॉग्स बनाती हूँ तो फ़ोन में भी चार्ज बिल्कुल नहीं था तो जितना हो सके मैंने छोटा छोटा क्लिक्स ही इंक्लूड किया है। आई होप आप लोग समझ सकते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे बनाने में थोड़ा टाइम लगने वाला था तो मैंने सोचा कि ये जो है वो अलग से एक ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। तो आज के ब्लॉग में जस्ट मैं आप लोगों को पीलिंग प्रोसेस ही मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ बट इसका जो रेसिपी वो आने वाला है कल के ब्लॉग में। तो कल के ब्लॉग देखने के लिए चैनल को ज़रूर करके रखिएगा सब्सक्राइब। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखो यार नहीं तो आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। एंड पास के बेल आइकन को भी प्रेस करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग हमारा जो ब्रेकफास्ट रूटीन है वो शेयर कर लेते हैं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था। तो वो पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ देन मैं बाकी चीज़ें शेयर करती हूँ।
एंड सच बताऊं तो ब्रेकफास्ट भी मैंने तब बनाया जब हमारे घर में लाइट आई, उसके बाद ही मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि मुझे ग्राइंडर से हमारा जो बैटर है वो बनाना था, क्योंकि मैं आज पहली बार पैनकेक ट्राई करी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी, साथ ही साथ मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर लूँगी एंड आप लोगों को ब्लॉग में पता चल ही जाएगा कि मेरा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट या कोशिश थी वो कामयाब हुई कि नहीं हुई। तो सबसे पहले मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है, बड़ा वाला जार, जिसमें मैंने ये जो छोटी वाली कटोरी है उससे 3 to 3.5 कटोरी ऑफ मैदा ले लिया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। देन मैंने 1 से 2 राइप मतलब पके हुए केला लिया है, जो कि अगर मैं और एक दिन के लिए रखती ना उसको तो वो अच्छी तरीके से सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो अच्छा हुआ अच्छे से पका हुआ केला मैंने 2 लिए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड मैंने उनको टुकड़ों में काट के ग्राइंडर जार में दे दिया है। देन आप देख सकते हो कि मैंने उसमें एक एग ऐड कर दिया है, आप 1 से 2 एग ऐड कर सकते हैं, बट मैंने पहली बार बना रही हूँ, ख़राब ना हो जाए इसलिए मैंने जस्ट 1 एग ही इसमें ऐड किया है। देन मैं बाकी का इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करूँगी, जो कि हमारा फाइनल इंग्रेडिएंट होने वाला है वो है नॉर्मल टेम्परेचर का दूध, मतलब दूध में ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें वाटर का कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए, तो इक्वल अमाउंट ऑफ मैंने वाटर एंड मिल्क ऐड किया है। आप लोगों को अगर परफेक्ट रेसिपी पता हो तो बताना ज़रूर, मैंने यूट्यूब में देखा था बट मुझे ऐसा लगा, तो मैंने अपने तरीके से देसी स्टाइल में थोड़ा सा पैनकेक बनाने की कोशिश की। तो इसे चलाने से पहले मैंने स्पून से अच्छे से इन्हें मिक्स कर दिया है, देन मैं इसे ग्राइंडर में चला लूँगी एंड अगर मुझे लगे कि इसका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने एक लिक्विडी बैटर बना लिया है, जो कि इस तरीके का दिखने में लग रहा है। ये ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी की भी नहीं है एंड ज़्यादा थिक भी नहीं बनी है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट बन चुकी है। तो बैटर तो हमारा बन चुका है, अब चलते हैं कुकिंग प्रोसीड्योर की तरफ। तो मैंने यहाँ पे तवा भी चढ़ा दिया है, इजीली ये तवे में बन जाता है गाइस अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने बनाने के बाद ही व्लॉग एडिट किया है, तो वॉइस ओवर दिया है, तो मुझे अच्छे से पता है। तो मैंने तवा में सबसे पहले 1 टेबल स्पून के करीब रिफाइन ऑयल ऐड कर दिया, जैसे कि आप लोगों को देख रहा है, जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैंने उसे थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है। बट गाइस बिलीव मी, आप लोगों को ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहली बार बनाया तो इसीलिए मुझे जैसा लगा तो मैंने वैसा किया, बट मैं बनाने के बाद ही, क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं आप लोगों को डूज़ एंड डोंट्स अच्छे तरीके से बता पा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ग्राइंडर के जार की मदद से ही इसे फैला लिया है तवे में एंड मैं स्पून की मदद से इसे एक परफेक्ट सर्कल देने की कोशिश कर रही हूँ। एंड गाइस ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ, आपको लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग इसे पोर कर दोगे तो ये इजीली कुक हो जाता है। तो जस्ट हमें 1 मिनट के लिए इसे 1 साइड पकाना होता है एंड आप देख सकते हो कि हमारा जो साइड से थोड़ा सा ब्राउन होने लग चुका है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इजीली इसे फ्लिप कर दूंगी। एंड गाइस ये स्मूथफुली फ्लिप हो जाता है, कोई चिपकने का टेंशन नहीं होता है। एंड थोड़ा सा मुझे लग रहा था, पहली बार बना रही थी इसीलिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा दबा दबा के उसे सीख रही थी, बट कोई भी ज़रूरत नहीं है इसे दबाने की, ये इजीली बहुत झटपट कुक हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरा जो पहला पैनकेक है वो दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है, दोनों तरफ से ब्राउन हो चुका है एंड फाइनली ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। आई एम सो हैप्पी कि ये मेरा पहला ट्राई में ही मेरा पैनकेक परफेक्टली बन चुका है। मस्ट ट्राई पैनकेक रेसिपी है गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने एज ए कम्पेयर टू पहले मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल ऐड किया था, अब मैंने जस्ट 1/2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल ऐड किया है एंड मैंने स्पून से कोई भी फैलाने की कोशिश नहीं की है, जो कि आप लोगों को सामने से ही दिख पा रही है। एंड ये भी इजीली सिक जाती है, जैसे कि सिक चुकी है एंड अब मैं फिर से इसे पलटाऊंगी, जो कि आप देख पाओगे कि बहुत स्मूथफुली पलट जाएगा एंड हमारा ये भी पैनकेक बहुत अच्छी तरीके से सिक रहा है। एंड क्योंकि
गाइस मेरे मेंटेलिटी में ऐसे घुस गया था कि शायद ये पक नहीं रहा था, इसीलिए थोड़ा सा दबा दबा के सीख रही थी, बट कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही बहुत झटपट सीख भी जाता है। तो हमारा दूसरा पैन केक भी बहुत झटपट बन चुका है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो इसे भी अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं, हमारा पहला पैन केक के साथ रख देते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड डेलिकेट लग रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा ईजी टू मेक ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो कि हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है। तो इसी प्रकार मैंने थर्ड पैनकेक जो है वो बनाया बिना कोई ऑयल डाले गाइस, ये भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथली फ्लिप हो गया, वो भी आप लोगों को मैं शेयर कर देती हूँ। एंड क्योंकि मैंने सोचा कि चलो ये थोड़ा सा मैं इसे पतला कर देती हूँ, देखती हूँ कि फ्लिप होता है कि नहीं, ये भी एक्सपेरिमेंट मेरा थम्स अप रहा गाइस, ये भी इजीली मेरा फ्लिप हो गया एंड बिना कोई ऑयल डाले। तो देखा आप लोगों ने बिना ऑयल डाले भी ये इजीली फ्लिप हो जाता है, साथ ही साथ इजी कुक भी हो जाता है। तो आप अगर इस पैन केक की रेसिपी को बहुत ज़्यादा हेल्दी करना चाहते हो तो बिना ऑयल डाले भी इसे फ्राई कर सकते हो एंड ये इजीली बहुत जल्दी कुक भी हो जाता है। एंड हमारा थर्ड पैन केक भी हो गया है तैयार जो कि बिना ऑयल के मैंने बना दिया है। एंड अब बारी आती है फोर्थ पैनकेक की, ऐसे करके अब जो भी पैनकेक बाकी का जो बनने वाला है, जो मैं बनाने वाली हूँ, वो सारा रहेगा बिना ऑयल डाले। एंड आप देख सकते हो कि कितना इजीली ये सारे फ्लिप हो जा रहे हैं। तो चलिए धीरे धीरे बाकी भी बना लेते हैं, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। एंड आप देख सकते हो इसका जो कलर एंड इसका परफेक्ट सर्कल बनना, ये इंडिकेट करता है कि मेरा जो पैनकेक की रेसिपी एंड एक्सपेरिमेंट वो हो चुकी है थम्स अप। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हो कोई रिक्वेस्टेड डिश या रेसिपी आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने तरीके से कैसे बनाती हूँ वो शेयर करूँ तो ज़रूर बताइएगा, मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आ चुकी हूँ मैं इस वाले रूम में, आराम से बैठ के हवे में फ़ैन के नीचे एंजॉय कर रही हूँ। एंड बाबू भी बाहर है क्योंकि वो अपना जो ब्रेकफास्ट है वो तो कर लिया था, साथ ही साथ हस्बैंड भी बाहर गए हैं तो मैं ही इंजॉय करने वाली हूँ। एंड क्योंकि अभी लाइट भी नहीं है तो गर्मा गर्म ये पैनकेक इंजॉय कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड टेस्टी के साथ हेल्दी बना था। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा गाइज। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी ही देर बाद, तब हम लोग बैठ के आराम से बातें करेंगे। हाय गाइज, आ चुकी हूँ मैं नहा धो के फ्रेश होके, एंड हम लोगों ने लंच अभी तक नहीं किया है क्योंकि मैंने जो अभी पैन केक की रेसिपी जो आप लोगों के साथ शेयर किया वही हम लोगों ने खाया है। मैंने तो दो खाया है, हस्बैंड ने मेरे चार खाया है, बाबू ने एक खाया है। तो हम लोग अभी टोटली फुल हैं, थोड़ी देर से लंच करेंगे। एंड लंच रूटीन तो आप लोगों को अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ मेरा जो गाजर की रेसिपी है वो भी आप लोगों को कल के ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा। आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करने वाली हूँ गाइस, और ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाली हूँ क्योंकि मैंने आज वादा जैसे किया था कि मैं ब्रेकफास्ट रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड ये न्यू डिश जो मैंने पहली बार ट्राई किया जो कि थम्स अप रहा, आई एम सो हैप्पी कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट या जो कोशिश है वो कामयाब हो चुकी है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना एंड ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना गाइस, एंड कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने भी परफेक्ट बनाया है कि नहीं। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर हो कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन वो भी बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज़ गाइस कमेंट किया कीजिए, वीडियो को पूरा तक ज़रूर देखा कीजिए, मेहनत हम भी करते हैं गाइस, हम लोग भी ऐसे ही अपना टाइम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ तो चाहिए भी हमें रिटर्न में ना। तो सपोर्ट प्लीज़ करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए एंड ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। तो मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में एक नए दिन के साथ, तब तक ले बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे यार मैं तो और एक बात आप लोगों से बोलना ही भूल गई थी, अभी थोड़ी देर मैंने एक प्यारे से व्यूअर्स का जो एक मैसेज है उसका मैं रिप्लाई इसी ब्लॉग में देना चाहती हूँ क्योंकि वो भी मेरा ब्लॉग्स डेली देखते हैं, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं, इसलिए हर चीज़ उनको अच्छे से पता है। तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, तो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा मेरा जो कमी उभर के आया है, आई नो कि मेरा ही मिस्टेक है,
अपलोड करने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरा जो शेड्यूल टाइम है उससे मैं अलग ही चल रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि कब मैं दिन भर में दोपहर को 12 बजे या रात को 8 बजे तक ब्लॉग अपना शेयर कर दूँगी। दोनों टाइम में से किसी एक टाइम में मैं अपना ब्लॉग जो है आप लोग तक पहुँचा दूँगी, बट मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई लाइटिंग प्रॉब्लम। मतलब कि मेरे घर में बार बार दिन भर में एटलीस्ट 7 to 8 hours लाइट नहीं रहती है गाइस। मैं तो टोटली मेरे फ़ोन के ऊपर डिपेंड हूँ, फ़ोन में चार्ज नहीं रहे तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती या एडिट भी नहीं कर पाऊँगी या अपलोड भी नहीं कर पाऊँगी। तो बिकॉज ऑफ रेनी सीजन शायद ऐसा हो रहा है, कुछ दिनों की बात है, थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए। मैं ज़रूर एक ना एक ब्लॉग अपना हर एक दिन पोस्ट करने की कोशिश करूँगी, बस आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए। मैं थोड़ा सा लेट करूँगी अपलोड, बट अपलोड ज़रूर करूँगी, तो मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को टाइम पे पहुँच जाए, इसलिए पूरा कोशिश मैं करती हूँ। रात को मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ बिकॉज सब सोए रहते हैं, उनको डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड यू ऑल नो कि मेरा बस दो ही कमरा है, तो ऐसे कहीं और जाके एडिट नहीं करना होता है। जब कोई घर में नहीं रहता है तभी मैं आप लोगों के साथ बात कर पाती हूँ, तो समझ सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया कीजिए, मैं ब्लॉग टाइम पे आप लोग तक पहुँचा दिया करूँगी। एंड थैंक यू, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद आ जाएगी तो मैं स्क्रीन में कहीं पे भी ऐड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स एंड सपोर्ट करते रहिए एंड ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। तो मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में।